वंस आई एम श्योर देयर्स नथिंग गोइंग ऑन आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट अनदर चर्च मैटिंग शीट्स एंड स्टोन एंड लिटिल बुक्स स्प्रॉलिंग ऑल आ फ्लावर्स कट एंड लिटिल बुक्स स्प्रॉलिंग आ फ्लावर्स कट फॉर संडे ब्राउनिश नाउ सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द होली इंड द स्मॉल नीट ऑर्गन एंड अ टेंस मस्टी इग्नोरेबल साइलेंस ब्रूड गॉड नोज हाउ लॉन्ग हैटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन अकवर्ड रेवरेंस हैटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन अकवर्ड रेवरेंस अंतिम पंक्तियां हैं सिंस समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड विच ही वंस हर्ड वाज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई राउंड If only there so many dead lie round. हम लोग फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग कविता पढ़ रहे थे। फिलिप लार्किन ने इस कविता को हाफ मॉकिंग स्टाइल में लिखा है, यानी व्यंगात्मक ढंग से लिखा है, सटारिकल ढंग से इसे लिखा है। फिलिप लार्किन जैसे कि एग्नोस्टिक हैं, पहले तो चर्च के जाने की निरर्थकता बताते हैं, लेकिन अंत में इस बात से सहमत होते हैं कि चर्च महत्वपूर्ण है और आगे भी महत्वपूर्ण बना रहेगा। 9 पंक्तियों का अनुच्छेद या स्टैंजा है और 63 पंक्तियां हैं, तो इसके बारे में तथ्यों का अध्ययन करते हैं। चर्च गोइंग फिलिप लार्किन, चर्च गोइंग फिलिप लार्किन 1922-1985 अपीयर्ड इन लार्किन से सेकेंड वॉल्यूम द लेस डिसीव्ड 1955, यानी लार्किन का दूसरा वॉल्यूम था, उसका नाम द लेस डिसीव्ड था। 1955 में उसमें सबसे पहले यह प्रकाशित हुई थी। रिटन इन 1954, यानी 1954 में लिखा था और एक साल बाद लेस डिसीव्ड में इसे लार्किन ने प्रकाशित कर दिया था। द पोएट इज एज अग्नोस्टिक, पोएट एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक जो ईश्वर पर न तो विश्वास करते हैं न अविश्वास करते हैं। द पोएम इज अ मोनोलॉग इन विच द स्पीकर स्कोप्स एट द चर्च एंड इट्स इक्विपमेंट्स। कविता मोनोलॉग है, एकालाप है, जिसमें जो वक्ता है, बोलने वाला है, स्पीकर है, वो चर्च पर, चर्च जाने की प्रथा पर नाराज होता है। द पोएट डोनेट्स 6 पेंस इन द चर्च, तो कवि 6 पेंस जो है चर्च में डोनेट करता है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, व्हेन द पोएट विजिट्स अ चर्च ही फील्स टू हैव वेस्टेड हिज टाइम, यानी पोएट जब चर्च में जाता है तो उसे लगता है कि उसने अपना समय बर्बाद किया है। According to the poet, some of the churches would be turned into museum.
तो पोएट का कहना है कि चर्च जाना परंपरा से बाहर हो रहा है, लोग जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं चर्च नहीं जाएंगे, और बाद में इनमें से कुछ चर्च म्यूजियम में बदल दिए जाएंगे और कुछ चर्च नष्ट हो जाएंगे। विमेन ऑफ ड्यूबियस कैरेक्टर्स वुड विजिट चर्च इन फ्यूचर। विमेन ऑफ ड्यूबियस कैरेक्टर वुड विजिट चर्च इन फ्यूचर, लार्किन का कहना है। राइम क्या है, तो नाइन है पंक्तियां, ABABCA DCD, ये इसकी राइम है। चर्च गोइंग के कुछ प्रसिद्ध कथन कोटेशंस को देखते हैं। सम कोट्स, अ सीरियस हाउस अनसीरियस अर्थ इट इज, यानी चर्च एक जो पृथ्वी है जो सीरियस है गंभीर है, उस पर एक गंभीर सदन है, गंभीर ग्रह है, गंभीर घर है। डोनेट एन आयरिश सिक्स पेंस, कवि आयरिश सिक्स पेंस को डोनेट करता है, यानी चर्च में आयरिश सिक्स पेंस को दान देता है, इसकी एक रुचिकर कहानी है। वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट, यानी जब कभी देखता है कि कोई नहीं जा रहा है तब वो चर्च में अंदर जाता है और दरवाजों को अपने आप बंद होने देता है, यानी वो जब देखता है कोई नहीं जा रहा है तब चर्च जाता है। हैटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन अकर्ड रेवरेंस, यानी चर्च में सिर ढक के जाया जाता है, कभी हैटलेस जाता है और रेवरेंस में सम्मान में श्रद्धा में वो साइकिल की क्लिप जो है उसे उतार देता है। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप शैल बी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेज, यानी जो चर्च हैं वे वीरान हो रहे हैं तो उनमें पानी बरसात से बचने के लिए भेड़े उसमें आश्रय लेती हैं। कवि कहता है कि शैल बी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेज, यानी इन चर्चों को एक अनलकी प्लेसेज की तरह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थानों की तरह क्या हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम इनसे बच सकते हैं। इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई राउंड। फॉर्म ऑफ द पोयम, तो पोयम मोनोलॉग है, एकालाप है, ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, मोनोलॉग है, और ए लिरिक है, मोनोलॉग लिरिक है, इयाम्बिक है, लिरिक है। एवरी स्टेंजा कंटेन्स 9 lines 7 stanzas, हर स्टेंजा में 9 पंक्तियां हैं, 7 stanzas हैं, इस तरह 63 यानी 63 पंक्तियां हैं। एवरी स्टेंजा कंटेन्स 9 lines 7 stanzas। द पोयम अपीयर्स इन लार्किन्स सेकेंड वॉल्यूम द लेस डिसीव्ड 1955, 1954 में लिखी गई थी और लार्किन ने 1955 में अपने दूसरे वॉल्यूम द लेस डिसीव्ड में इस कविता को प्रकाशित किया था। ABABCA DCD, यह इसका राइम स्कीम है। आपने इतने ध्यान से सुना, धैर्य से सुना, थैंक यू, धन्यवाद।